नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 में हम लोग कारक पाठ पढ़ रहे हैं, उसके कुछ पॉइंट हमने देखे थे, आगे के पॉइंट हम लोग देखते हैं। हम लोग करण कारक देख रहे थे। करण कारक में मैंने आपको बताया कि करण का अर्थ माध्यम के रूप में लिया जाता है, यानी जिस माध्यम से कार्य पूर्ण किया जाता है उसी को करण कारक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त करण कारक में से विभक्ति का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में भी करते हैं, जैसे शरीर के दोष प्रकट करने में, शरीर में जो दोष होते हैं उनको प्रकट करने के लिए हम से विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे वह एक पैर से लंगड़ा है। दूसरा रीति या पद्धति या पद्धति, पद्धति का मतलब सिद्धांत होता है, रीति का मतलब रिवाज होता है या नियम होता है। जैसे कहा जाए मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक पद्धति है। उसके बाद कारण, कारण के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे आपको पता है कोई कार्य हुआ तो उसका कारण क्या है, कोई व्यक्ति मर गया तो लोग पूछते हैं कैसे मर गया, तो लोग बताएं कि ये कैंसर की वजह से मर गया। कैंसर जैसे मान लीजिए, तो कारण में कैंसर से मर गया या कैंसर की वजह से मर गया, कैंसर के द्वारा मर गया। उसके बाद विकार, चौथा आपका आएगा विकार। विकार का मतलब होता है खराबी, जिसमें परिवर्तन उत्पन्न किया जा सके या कुछ खराबी उत्पन्न हो उसे विकार कहते हैं। जैसे बेचारे की को बीमारी से क्या हालत हो गई, बेचारे की बीमारी से क्या हालत हो गई। उसके बाद मूल्य, जैसे किसी चीज़ का मूल्य हो। सोना किस दर से बेचा जाए, जैसे सोना किस दर से बेचा जाए, यानी उसको किस कीमत में बेचा जाए ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद दशा, दशा में आपका जैसे आ जाए हरिश्चंद्र स्वभाव से ही सत्यवादी थे। कर्मवाच और भाववाच में भी से का प्रयोग करते हैं, कर्मवाच और भाववाच। ये वाच अभी आपके पाठ में नहीं है, आगे आएगा, तो यहाँ देख लेते हैं। कर्म वाच और भाववाच, कर्मवाच और भाववाच में इनका से का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और उसको उसी हिसाब से अदला बदला जाता है और उनकी पहचान की जाती है। तो ये से विभक्त का प्रयोग इतनी पद्धति और इतने नियमों में किया जाता है। उसके बाद अगला कारक हमारा आता है संप्रदान कारक। हम लोग इसको इरेज कर देंगे। संप्रदान, संप्रदान शब्द का अर्थ ही होता है कुछ प्रदान करना, अर्थात देना। जब किसी को कोई वस्तु दी जाती है या देने की प्रक्रिया की जाती है तो वहां पर संप्रदान होता है। जैसे
अब संप्रदान की विभक्ति क्या होगी? के लिए, के वास्ते। जैसे राम रमेश के लिए फल लाया, यहाँ पर राम रमेश के लिए फल लाया, यहाँ राम करता है और रमेश के लिए काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर संप्रदान, फल लेने की क्रिया की जा रही है। यानी जब कोई कार्य दूसरों के लिए किया जाता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान का अर्थ देना, वाक्य में कुछ दिए जाने अथवा जिसके लिए कुछ किया जाए, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अब देखिए, दो कर्म कारक और संप्रदान कारक में थोड़ा अंतर होता है। अब कर्म कारक की भी को यहाँ पर आ रहा है, कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को। और संप्रदान कारक संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है? के लिए, को, दोनों होती है। अब को, जहाँ पर अब कर्म कारक में भी को चाहे हो लगा होता है और संप्रदान कारक में भी को लगा होता है, तो दोनों में अंतर कैसे करेंगे? अब जैसे मान लीजिए, माँ ने बच्चे को समझाया, वाक्य है माँ ने बच्चे को समझाया। यहाँ पर माँ के द्वारा बच्चे को समझाने की क्रिया की जा रही है, ने करता यही होगा क्योंकि माँ करता होगा क्योंकि यहाँ पर ने लगा है और ने कर्ता की विभक्ति है। बच्चे को विभक्ति लगी है तो ये है कर्म कारक की विभक्ति, अर्थात माँ जो है बच्चे को समझाने की क्रिया कर रही है, यानी समझाने का माध्यम कौन है? माँ। इसलिए यहाँ पर कर्म कारक होगा। अब जैसे मान लीजिए इसी वाक्य को बदल दें, माँ ने बेटे को फल दिया, अब यहाँ पर कर्ता वही है और को विभक्ति भी वही है, कर्ता और बच्चा जो है वही है। अब यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं? देने के लिए, यानी कुछ प्रदान करने के लिए। माँ ने बेटे को कुछ प्रदान किया तो यहाँ पर ये हो जाएगा संप्रदान, अर्थात जब को का प्रयोग माध्यम के रूप में वाक्य में होगा तब वो कहलाएगा कर्म कारक, और जब को का प्रयोग कुछ देने के भाव में होगा तो वहाँ पर वो कहलाएगा संप्रदान कारक। इस तरह से ये आपका संप्रदान कारक है और कर्म कारक में अंतर। इसमें सिर्फ ये सावधानी रखनी है कि हमें ये देखना है कि कार्य का माध्यम बताया जा रहा है या कुछ देने का भाव स्पष्ट किया जा रहा है, उसी आधार पर यहाँ पर संप्रदान और कर्म का भाव उत्पन्न होगा। संप्रदान के बाद आपका आता है अपादान। अपादान से मतलब है अलग होना, अलग होना। अलग होने का भाव, जब वाक्य में अलग होने का भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर अपादान कारक होता है। अपादान कारक की विभक्ति
से है। जब कोई चीज, मान लीजिए गंगा, हिमालय से निकली, गंगा हिमालय से निकली, यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। से विभक्ति यानी गंगा जब एक बार हिमालय से निकल जाएंगी तो वापस हिमालय में नहीं जाएंगी, ये आपको समझ में आ रहा है। यानी कोई भी वस्तु जब एक बार किसी चीज़ से अलग हो जाए तो वापस उसमें जुड़ नहीं सकती। इस भाव को उत्पन्न करने वाले वाक्य अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, छत से बच्चा कूदा, बंदर पेड़ से कूदा, कुर्सी से बच्चा गिर गया, इत्यादि। अब यहाँ पर करण कारक की विभक्ति भी से होती है। करण कारक की विभक्ति भी से होती है और अपादान कारक की भी विभक्ति से होगी। अब दोनों में अंतर निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक वाक्य लिखते हैं, मैंने पेन से पत्र लिखा। पत्र लिखने की क्रिया का माध्यम क्या है? पेन। जब हम पत्र लिखने की क्रिया कर रहे हैं तो उसका माध्यम हमारा क्या है? पेन। तो यहाँ पर जो से है वो क्या बता रहा है? कारण। या कौन सा कारक बता रहा है? माध्यम बता रहा है, माध्यम। यानी यहां पर होगा करण कारक। करण कारक इसलिए होगा क्योंकि से विभक्ति का प्रयोग माध्यम बताने के लिए किया गया है। अब यहीं पर दूसरा वाक्य लेते हैं, से विभक्ति का, पेड़ से पत्ता गिरा। अब यहां पर से विभक्ति का प्रयोग फिर से हुआ है। से विभक्ति का प्रयोग यहां पर फिर से हुआ है, परंतु यहां पर कारण नहीं बताया जा रहा है, ये अलग हो रहा है। जब पत्ता एक बार पेड़ से अलग हो जाएगा तो वापस उसमें जुड़ नहीं सकता, तो यहां पर यह कहलाएगा आपका से विभक्ति। कौन सा? जो ये से विभक्ति होगी वो आपकी कहलाएगी आपादान। आपादान में यही होता है, यानी कोई वस्तु जब अपने मूल से या किसी वस्तु से अलग होगी तो वापस उसमें जुड़ेगी नहीं। जबकि करण कारक में क्या होता है कि वो वस्तु लगातार बनी रहती है, यानी माध्यम के रूप में प्रयोग होती है और वापस फिर अपनी पुनः स्थिति में पहुंच सकती है। तो इस तरह से अपादान और करण कारक में ये अंतर होता है। उसके बाद अब आज के वीडियो में हम लोग इतना देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर से जो बचे हुए हमारे कारक हैं उनको हम देखेंगे। तो बचे हुए कारकों को देखने के लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी जितने भी आपके प्रश्न बनेंगे मैं आपको PDF के रूप में उसे दूंगा, उसे करिएगा। सभी को मैं बता दूं, बार बार मैंने बताया है, वीडियो देखने के बाद मैसेज बॉक्स में जा कर के अपना नाम, अपना सेक्शन और क्लास ज़रूर लिख दीजिए, जिससे आपकी अटेंडेंस आपकी लगती रहे और हमें पता चलता रहे कि आप क्या क्या देख रहे हैं। और जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों को कॉपी में बनाया है आपने, उसको लिखिए। PT का सिलेबस आपको मिल चुका होगा या मिलने वाला होगा, तो PT के एग्ज़ाम की डेट भी आपको जल्द ही बता दी जाएगी। इसलिए सभी लोग सारे प्रश्न उत्तर कविताएं याद करते रहें और याद करके उसको देखते रहें।
क्योंकि पीटी में भी आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो अगले वीडियो के लिए हम फिर तैयार होंगे, तब तक के लिए।